खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर तहसील क्षेत्र के नादेही सिटकुल से जहां देर रात फाइबर फैक्ट्री में आग लग गई। आग की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में लगभग 25 कर्मचारी मौजूद थे। वहीं आग की चपेट में आने से एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया गया। इसके साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 22 कर्मचारियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रात के 1:30 से 2 बजे के बीच की घटना है, जब हमें सूचना मिली कि ये शानदार इंडस्ट्री है जो खाली फाइबर की सीट का काम करते हैं। इन्हीं के बगल में, प्लांट के ठीक बगल में इनका जो गैस का चैम्बर था जहाँ से ये सप्लाई लेते थे, वहीं पर रिसाव के कारण आग लगी थी। और जो वहाँ पे गेट कीपर लड़का था, उसके द्वारा तुरंत जो सुपरवाइजर थे उनको इन्फॉर्म किया गया। जब ये लोग मौके पर पहुँचे तो आग बुझाने के प्रयास में ही इसमें दो लोग चपेटे में आ गए, जिसमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से उसमें झुलस गए, जिससे उनको वहीं मौके पर मृत्यु हो गई। एक और जहाँ तक गाड़ियों का सवाल है, तो इसमें कुल 9 गाड़ियाँ लगी, इसमें से 3 प्राइवेट सेक्टर की थी और 6 हमारी जो है। आग ये गैस लीकेज हुआ है, उस कारण से जो है लगी, क्योंकि फैक्ट्री चल रही थी, प्रोसेस में थी, तो उस वजह से लगी। और नुकसान का अभी आकलन किया जा रहा है, क्षति का आकलन करने के बाद ही पता चल सकेगा।